बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले ही आपको ये इन्फॉर्म किया था कि सीए अनुपम शर्मा सर ने अपने ट्वीट के थ्रू ये गाइड किया था कि मंडे या ट्यूसडे तक कोई ना कोई अपडेट जरूर मिलेगा। फाइनली न्यू स्कीम कब तक इंप्लीमेंट होगी, इससे रिलेटेड एक न्यूज सीए अनुपम शर्मा सर ने अपने ट्वीट के थ्रू शेयर कर दी है। तो आइए जल्दी से सीए अनुपम शर्मा सर के उस ट्वीट को गो थ्रू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों ये सीए अनुपम शर्मा सर का लेटेस्ट ट्वीट है जो कि आज 14 जून को सुबह 10:55 पर शेयर किया गया है और यहाँ पर सर ने ये गाइड किया है। द टॉर्च बियरर ऑफ आईसीआई सीरियसली वांट्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्कीम एज अर्ली एज पॉसिबल। सम ड्राफ्टिंग इश्यूज आर रेज्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री एंड अ प्रॉपर रिप्लाई इज सबमिटेड बाय आईसीआई। मे बी टुडे आईसीआई विल रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द लॉ मिनिस्ट्री। Otherwise, ICI had called another council meeting the last week of June. On the other hand, ICI has already completed all the work for implementation of the new scheme. Let us again pray to the God and be positive about the implementation of the new scheme. तो बच्चों यहाँ पर सी अनुपम शर्मा सर ने यही गाइड किया है कि जो ICI के टॉर्च बियरर्स हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट कमेटी है, सीसीएम मेंबर्स हैं, वो न्यू स्कीम को बहुत जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन न्यू स्कीम में ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा रेज किए गए हैं और आईसीआई ने इसका एक प्रॉपर रिप्लाई लॉ मिनिस्टर को सबमिट कर दिया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज आईसीआई को लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आईसीआई इस मंथ के लास्ट वीक में एक और काउंसिल मीटिंग को रखेगा। आईसीआई ऑलरेडी न्यू स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जितना भी वर्क है उसको कम्प्लीट कर चुका है और इसके लिए हमें ईश्वर से दुआ करनी चाहिए और हमें न्यू स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड पॉजिटिव रहना है कि न्यू स्कीम जो है बहुत जल्द इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो बच्चों ये कंप्लीट मैसेज है जो कि सी अनुपम शर्मा सर ने हमारे साथ शेयर किया है और मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि वो टाइम टू टाइम जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो हमें देते रहते हैं। तो अगर कल तक लॉ मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया तो बहुत जल्द आपको आईसीआई की वेबसाइट पर न्यू स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज मिल जाएगी और अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के लास्ट वीक में एक और काउंसिल मीटिंग रखी जाएगी जिसके अंदर की जितना भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात शेयर की गई है कि न्यू स्कीम के इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड जितना भी होमवर्क है वो आईसीआई ऑलरेडी कर चुका है। तो सर ने लास्ट में यही कहा है, लेट अस अगेन प्रे टू गॉड एंड बी पॉजिटिव अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्कीम। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने अपने जो व्यूज हैं वो ट्वीट के थ्रू शेयर किए हैं। कुलदीप चौहान जी ने कहा है, सर माई गट फीलिंग इज दैट द आईसीआई विल मेक एवरी एफर्ट टू इम्प्लीमेंटेशन द न्यू स्कीम फ्रॉम सीए डे दैट इज 1 जुलाई 2023। तो वो यही कह रहे हैं कि जो मेरी गट फीलिंग है वो यही है कि आईसीआई सीए डे पर यानी कि 1 जुलाई को ही न्यू स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस भी यही लग रहे हैं कि 1 जुलाई 2023 को कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो बच्चों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।